पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चौकी इंचार्ज द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर भाजपा पार्षदों का एक गुट एसएसपी मुरादाबाद से मिला और चौकी इंचार्ज की शिकायत की। एसएसपी मुरादाबाद ने भाजपा पार्षदों को जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र स्थित जयंतीपुर चौकी का है, जहां पर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी तैनात है। 24 अप्रैल की रात क्षेत्रीय पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद पति के द्वारा चौकी पर दो पक्षों के विवाद को लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें देखते ही चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी आग बबूला हो गए और उनके साथ गाली गलौज करने लगे, जिससे आहत हुए पार्षदों ने एसएसपी मुरादाबाद से धर्मेंद्र सोलंकी की शिकायत की है और उन्हें पद से हटाने की भी मांग की है। पार्षदों ने चौकी प्रभारी के पुराने कारनामे भी एसएसपी मुरादाबाद के सामने रखे। उनका कहना है कि अब तक जहां भी चौकियों पर रहे हैं, क्षेत्रीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं रहा, इसीलिए सभी ने उन्हें हटाने की मांग की है, जिस पर एसएसपी मुरादाबाद ने जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मामला ये था, 24 तारीख रात को आपस में झगड़ा हो गया था मोहल्ले में, मतलब दोनों भाई भाइयों में। तो मुझे फोन करा था, मैं भी पता चौकी पहुंचा। मैं चौकी लगभग टाइम था, करीब 12 साल बैठ लगभग टाइम था, तो मैं दरवाजे बैठे थोलंगे बैठे थे, मैंने वादे नमस्कार बोले, मुझसे बोले क्यों गाली उतारी बाकी आज हम ऐसे साहब से मिले हैं, हम निहाय चाहते हैं जो भी है। हमारे वार्ड नंबर 22 से पार्षद हैं, क्या नाम है, रमेश सैनी की उनकी पत्नी है और पहले वो सुबह पार्षद रहे हैं। तो 24 तारीख की घटना बता रहे हैं कि मोहल्ले के अंदर आपस में कोई विवाद हो गया था, जिसके लिए वो लोग थाने में गए थे और वहाँ पर जो चौकी इंचार्ज है धर्मेंद्र सोलंकी, उनका व्यवहार जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और उन्होंने गाली गलौज करी माननीय पार्षद जी के पति के साथ। और वहाँ पर जो है जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन लोगों ने बताया कि उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसी संदर्भ में मैंने माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से 2.25 साल पहले की घटना भी इनके बताई कि जिस समय वो बाजार चौकी पर तैनात थे, तो उस समय भी जो है एक शिकायत हुई थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और उस समय फिर जो है LIU द्वारा रिपोर्ट उसमें जांच हुई थी, जिसमें दोषी पाए गए थे और पूरी की पूरी जो है बुध बाजार चौकी और जो उस समय चौकी इंचार्ज थे ये धर्मेंद्र सोलंकी, इन सबको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो व्यवहार इनका शुरू से ख़राब है, इस बारे में हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जो है ये सारी शिकायत रखी, जिस पर माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हमें जो है आश्वासन दिया है कि इस पर तुरंत जांच कराई जाएगी दोनों विषयों पर और इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ़ कार्रवाई चाहते हैं, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है पब्लिक के लिए और रात को जो है ये और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो अब मैं आगे नहीं कह सकता क्यों ख़राब होते हैं।